नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हैं। आइए, आज हम स्वर माला के स्वर ए की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। दो अक्षर से बने ए की मात्रा के शब्द। अब ए की मात्रा की ध्वनि निकालना बच्चों से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम उन्हें इस तरह समझा सकते हैं। बच्चे आसानी से इंग्लिश का शब्द एग बोल लेते हैं, तो उसका ए जो है वो बहुत आसानी से बच्चे कह सकते हैं। तो उनसे ए बोलने की प्रैक्टिस करवाइए। तो ए की मात्रा इस तरह दो स्लैंटिंग लाइन और ऊपर हल्का सा कर्व होता है, इस तरह से बनती है। और कई बार कुछ लोग सिर्फ एक हल्का सा बंद कर्व भी बनाते हैं। तो ए की मात्रा व्यंजन के वर्ण के जो खड़ी डंडी है उसके ऊपर लगती है, जो ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर लगती है। तो आइए पढ़ते हैं ए की मात्रा के शब्द। ग, ए की मात्रा। स, गै, स, गैस। म, ए की मात्रा। ल, मै, ल, मैल। ब, ए की मात्रा। ल, बै, ल, बैल। त, ए की मात्रा। र, तै, र, तैर। प, ए की मात्रा। र, पै, र, पैर। ब, ए की मात्रा। ठ, बै, ठ, बैठ। स, ए की मात्रा। र, सै, र, सैर। र, ए की मात्रा। न, रै, न, रैन। ग, ए की मात्रा। र, गै, र, गैर। च, ए की मात्रा। न, चै, न, चैन। ब, ए की मात्रा। र, बै, र, बैर। न, ए की मात्रा। न, नै, न, नैन। बच्चों, जब ए की मात्रा किसी वर्ण के ऊपर लगती है तो वह वर्ण थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है, ए लग जाता है उसके पीछे। तो फिर से हम दोहराते हैं, बच्चे अब मेरे साथ दोहराएंगे। गै, स, गैस। मै, ल, मैल। बै, ल, बैल। तै, र, तैर। पै, र, पैर। बै, ठ, बैठ। से, र, सैर। रे, न, रैन। गै, र, गैर। चै, न, चैन। बै, र, बैर। नै, न, नैन। बच्चों, हिंदी पढ़ने से कोई भी भाषा उसकी प्रैक्टिस करने से अच्छी हो जाती है, उस पे पकड़। तो आप लोग हिंदी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। बाय।